नमस्कार। आज मैं आपको कपड़े के स्क्वायर पीस से बिना एक भी कट लगाए, बिना फॉर्म सील, बिना बुकरम, बहुत ही स्टाइलिश सा बैग बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी सिलाई आती है तो भी आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने पुरानी कुर्ती में से एक कपड़े का स्क्वायर पीस कट किया है और इसी साइज की मैंने लाइनिंग कट की है। 21 इंच बाय 21 इंच का एक स्क्वायर पीस कट किया है मैंने। देखिए, मैं इसमें मीडियम साइज का बैग बना रही हूँ। आपको जितना भी बड़ा या छोटा बैग बनाना है उतने ही साइज का आपको स्क्वायर पीस कट करना है कपड़े का। अब देखिए, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। इस तरह से देखिए, लाइनिंग का कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने इसमें जोड़ लगा लिया है। अब देखिए, एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ से इस निशान से 4 इंच जगह छोड़कर दूसरा निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए इस तरह घुमाते हुए यहाँ से इस निशान तक सिलाई लगाएंगे, इतनी जगह हम छोड़ देंगे। देखिए, इस निशान से घुमाते हुए हमने इसके किनारे किनारे पे यहाँ से इस निशान तक चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब देखिए, हम कॉर्नर को कट कर लेंगे। इसके चारों कॉर्नर हम कट कर लेंगे। चारों कॉर्नर हमने कट कर लिए। अब यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, हमने सीधा कर लिया। देखिए, इस तरह से कोई भी नकली चीज ले लेंगे, इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। देखिए, इसे सीधा कर लिया हमने। अब देखिए, इतनी जगह हमने खुली छोड़ दी थी। कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे और देखिए, इसे बंद करते हुए चार तरफ किनारे किनारे पे यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसके चारों तरफ हमने घुमाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। अब हम एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई हम बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। देखिए, इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाई है और एक सिलाई हमने इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाई है। अब देखिए, सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से सेंटर में एक निशान लगाएंगे। इस तरह इस सेंटर में एक निशान लगाएंगे। देखिए, अब इस निशान से पकड़ेंगे और इस सेंटर वाले निशान से इस तरह पकड़ेंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से दोनों सिलाई आपस में मिलनी चाहिए यहाँ से। अब देखिए, यहाँ से इस तरह इंची टेप रखेंगे, 4 इंच में निशान लगाएंगे। इसी तरह यहाँ से फिर से रखेंगे, इस तरह फिर से 4 इंच में निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब इसे इस तरह पकड़ेंगे दोनों निशानों को, इस तरह से बराबर करेंगे। अब एक सिलाई हम इस निशान से यहाँ तक लगाएंगे, इस तरह इन दोनों निशानों को पकड़ेंगे, इस तरह से इस और एक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। देखिए, इस निशान से यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, इस तरह इस निशान से यहाँ तक भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब देखिए, इंची टेप लेंगे, इस कॉर्नर पे इंची टेप रखेंगे, इस तरह से 1.5 इंच निशान लगाएंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच देंगे, इस तरह से, इस तरह इस तरफ भी 1.5 इंच निशान लगाएंगे। इसे भी बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, इस तरह से। अब एक सिलाई हम यहाँ से इस निशान पे यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई हमने इस निशान पे यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक, चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, चारों कॉर्नर पे हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से इसे सीधा कर लेंगे। देखिए, इसे सीधा कर लिया हमने। अब इसे अलग रख देंगे। अब देखिए, कपड़े की एक पट्टी और लेंगे। लेंथ इसकी 22 इंच और विड्थ इसकी 3 इंच। अब देखिए, इस तरह पलटेंगे, फिर से पलटेंगे और इस तरह से, और फिर सेंटर से पलटते हुए पूरी पट्टी में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हैंडल हमने तैयार कर लिया है। अब देखिए, इसे लेंगे, हैंडल लेंगे, 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह रखेंगे, इस तरह से बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए, और इसके चारों तरफ सिलाई लगा कर इसे यहाँ पर जोड़ देंगे। फिर हैंडल का दूसरा सिरा लेंगे, इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे 1/2 इंच। इसका दूसरा सिरा इस तरफ रखेंगे, देखिए इस तरह से, और इसमें भी चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए, हैंडल को हमने दोनों साइड जोड़ लिया है। ये देखिए, ये देखिए, हमारा सुंदर सा बैग बनकर बिल्कुल रेडी है।
हूँ।